द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये हम 10th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लोइंग चार्जेस आर सेट टू बी कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं, जब चार्जेस फ्लो करते हैं कंडक्टर में, तो उसके क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जब चार्जेस की मूवमेंट होती है, जब चार्जेस फ्लो करना शुरू करते हैं, तभी इलेक्ट्रिक करंट जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला क्या होता है? द टोटल चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, कितना टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ है कितने टाइम में, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। चार्ज को हम क्यू सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, टाइम को हम टी सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। और उसके बाद अगर हमने इसको क्योंकि चार्ज की जो मूवमेंट होती है वो चेंज होती रहती है, कभी चार्ज बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं तो कभी स्लो मूव करते हैं, तो उसके हिसाब से उसका टाइम पीरियड भी चेंज होता रहता है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो उसको लिए हमने क्या लिया है, एक लिमिट लगाई है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा क्यूब बाय डेल्टा टी। डेल्टा, जब हम डेल्टा टी को अप्रोच करेंगे ज़ीरो तक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। डी को, डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टू माइनस क्यू वन, कि पहले कितना चार्ज टाइम टी टू पे, टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं इसको, तो टी टू टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू टू चार्ज फ्लो हुआ, टी वन टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू वन चार्ज फ्लो हुआ। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर समझ लीजिए 2 सेकंड में इतना चार्ज फ्लो हुआ, नेक्स्ट 4 सेकंड में इतना चार्ज फ्लो हुआ, तो हम माइनस कर कर क्यू टू माइनस क्यू वन बाई टी टू माइनस टी वन करके इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द करंट थ्रू ए कंडक्टर एट एनी टाइम इज डिफाइंड एज द फर्स्ट डेरीवेटिव ऑफ द चार्ज। ये डेरीवेटिव होता है डी क्यू, डी को डेरीवेटिव बोलते हैं, चार्ज का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम का डेरीवेटिव थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पेयर। करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पेयर होते हैं। 1 एम्पेयर किसके इक्वल होता है, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम में, और टाइम के यूनिट होते हैं सेकेंड में, तो क्या आ जाएगा, 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या होगी कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, पर सेकंड में, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, उसको हम 1 एम्पेयर बोलते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स।